चलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका पीसी फीफा 22 मैनेजर करियर मोड में। ये लोस का मैनेजर करियर मोड है दोस्तों, थर्ड सीजन। ये थर्ड सीजन का फर्स्ट एपिसोड, एंजल गोमेज जा चुके हैं इस फर्स्ट $29 मिलियन में। गोलकीपर एल जॉर्डन जा चुके हैं $8 मिलियन में, लगभग $8 मिलियन में। सासियोलो इन दोनों के जाने के बाद और प्री सीजन टूर्नामेंट के प्राइज मनी के बाद $76 मिलियन से $120 मिलियन हो चुका है ट्रांसफर बजट ओवरऑल। पर अभी तक जॉनाथन बांबा गए नहीं है, वो आगे हो सकता है चले जाए। आगे होने वाले मैचेस के बाद मालूम पड़ेगा कि वो जाएंगे या नहीं, कौन सी टीम उन्हें खरीदना चाहेगी। ट्रांसफर लिस्ट में है वो जॉनाथन बांबा। अब लोस सबसे पहले एक अच्छे सेंट्रल बैक को साइन करेगी, वो होंगे अटलांटा के सेंट्रल बैक क्रिश्चियन रोमेरो। इस सीजन स्पर्स के लिए लोन पे है, हो सकता है अगले सीजन पर्स साइन कर ले क्रिश्चियन रोमेरो को। देखते हैं कितने इसमें साइन हो पाते हैं क्रिश्चियन रोमेरो, देखते हैं कितने इसमें साइन हो पाते हैं। इनकी वैल्यू है $58 मिलियन। रिलीज क्लॉस पे नहीं करने वाली लूज, उससे कम में खरीदना चाहेगी लूज क्रिश्चियन रोमेरो को। सबसे पहला ऑफर होगा $60 मिलियन, 77.5 मिलियन, $77 मिलियन देने को तैयार है लूज। 97 के नीचे नहीं आ रही थी अटलांटा। देखिए अब क्या होता है, कितने से साइन हो पाते हैं क्रिश्चियन रोमेरो। $87 मिलियन में साइन हो चुके हैं क्रिश्चियन रोमेरो, जो उनकी रिलीज क्लॉज से काफ़ी कम है। देखते हैं अब फुल साइनिंग करने की बारी। $88 मिलियन में साइन हुए लगभग क्रिश्चियन रोमेरो, 1 लाख वीकली वेजेस के साथ, 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट डील के साथ। देखिए क्या होता है, मानते हैं यानी क्रिश्चियन रोमेरो फुल साइनिंग के लिए, मान चुके हैं क्रिश्चियन रोमेरो। अब मैच है लोस का ट्रॉफी कप का। ये मैच होता है लीग वन चैंपियन और फ्रांस लीग कप चैंपियन के बीच, जो लोस बनी थी पिछले सीजन और लीग वन को जीता था एस मोनाको ने और जीता था लोस ने। इसी के साथ ये मैच सेटअप हुआ है, देखते क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाएगी दोनों टीमें अपनी मेन लाइनअप के साथ। और क्रिश्चियन रोमेरो इस मैच में अपना डेब्यू करेंगे। मैच चल हो चुका है लोस अगेंस्ट एस मोनाको, देखते क्या होता है इस मैच में, क्या कर पाएगी दोनों टीमें अपनी मेन लाइनअप के साथ। टैकल करने की कोशिश, टैकल फेल, क्रिश्चियन रोमेरो बॉल छीनने की कोशिश, छीन नहीं पाया क्रिश्चियन रोमेरो, शूट किया, सेव आया। ओहो ये क्या हुआ, काफ़ी अफरा तफरी मची शुरुआती मोमेंट्स एस मोनाको की ओर से, काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। देखते अब क्या होता है आगे। और एक मौका मेलवेस, ओ शूट सेव, ब्रिक का एक अच्छा शूट आया, बहुत ही अच्छा मौका बना बेन एल्डर के लिए और उतना ही अच्छा सेव मैसलर का। बेकैलवर एक बॉल को लेने के लिए काफ़ी पीछे आ गए थे। देखते अब क्या होता है, वेड्स अपनी पेस का यूज़ करते हुए वेड्स क्रॉस, ओ अच्छा मौका बना बैक पास, रेनाटो सैंचेस, ओ ये क्या हुआ, टैकल कर दिया, बहुत ही अच्छा मौका रोमेरो को का टैकल। ओहो जॉनसन डेविड, रेनाटो सैंचेस, बांबा बॉल को कवर नहीं कर पाए, काफ़ी अच्छे से डिफेंसिवली खेल रही है एस मोनाको और अटैकिंग वाइज तो उतनी अच्छी है नहीं, डिफेंसिवली लोग भी काफ़ी अच्छा खेल रही है। ओ क्रिश्चियन रोमेरो ने टैकल कर दिया, येलो कार्ड खाना होगा शायद से क्रिश्चियन रोमेरो को, येलो कार्ड खा चुके हैं क्रिश्चियन रोमेरो अपने डेब्यू में ही। फ्री किक के जरिए मौका है, ड्रिप की फ्री किक और बहुत ही बेकार रही, पास देखा अलवरे, बांबा जॉनाथन बांबा शूट, जॉनाथन बांबा गोल, बहुत ही कमाल का गोल जॉनाथन बांबा का। देखा अलवरे का पास आया जॉनाथन बांबा के लिए और जॉनाथन बांबा ने बहुत ही बेहतरीन गोल किया। यस मोनाको गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं था रोकने का इस शूट को। इस सीजन का फर्स्ट गोल जॉनाथन बांबा का, लोस के लिए फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा तो रहा नहीं, पर एक सिंगल शॉट मारा लोस ने और गोल कर दिया। एस मोनाको ने काफ़ी सारे अटैक किए पर डिफेंसिवली अच्छी रही लोस, वो अच्छा मौका है एस मोनाको के पास, शूट सेव मैसलर का एक अच्छा सेव। ओ वेट्स का पास बेख्यालवरे के लिए, बेख्यालवरे शूट नहीं लगा पाए, एक लॉन्ग टच ले लिया। एस मोनाको के पास कॉर्नर का मौका है, लेकिन क्या होगा इस कॉर्नर के जरिए कुछ हो तो नहीं पाया फिलहाल के लिए, पर काउंटर अटैक पर जा चुकी है लोस। देख क्या होता है अब इस काउंटर अटैक के जरिए, ओहो आगे निकलने की कोशिश, गुडसन क्रॉस शूट गोल, किसी ने तो गोल मारा है, जॉनाथन डेविड है गोल मारने वाले प्लेयर, बहुत ही बेहतरीन काउंटर रन ये
लोस के लिए बहुत बेहतरीन। जोनाथन डेविड ओपन थे और शूट लगा दिया फर्स्ट गोल इस सीजन का जोनाथन डेविड का भी। सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, टीम वेट जा चुके हैं, उनकी जगह आए हैं यंग प्लेयर। लेट्स सी मेरा नंबर सर तो माफ कर देना, और अब मौका है तो हो बाम्बा बाम्बा पास दे ख्याल वाले शूट नहीं लगा पाए, एक अच्छा सेव गोलकीपर का है, बहुत ही अच्छी पासिंग, प्लेयर काफी पीछे है, शूट सेव मैसलर, ओ सेकेंड टाइम अच्छा मौका बना रिबाउंड के जरिए गोल आ गया। किसने मारा है बेन एल्डर नंबर 10, कमाल का मौका, बहुत ही अच्छा शूट सेव कर दिया था मैसलर ने, फर्स्ट टाइम क्रॉस आया एक शॉर्ट क्रॉस, उल्टा ही अच्छा गोल बेन एल्डर का, क्रॉस काफी अच्छा क्लियरेंस, जोनाथन डेविड शूट से कर गया और एक से गोलकीपर का एस मोनेको गोलकीपर। गुडसन का कॉर्नर, सैंड्रो टोनाली एक लॉन्ग शूटर लगा, एक अच्छा शूट लगाने की कोशिश पर उच्चा अच्छा रहा नहीं, ऑफ टारगेट चला गया। क्या चल मेरा मोलगेन रेनाल्डर, अच्छी पास में शूट से कर दिया मैसलर ने, ये मैच जीत चुकी है लोस 2-1 से। ये मैच जीतने के साथ ट्रफेड इस कप भी जीत चुकी है लोस, जो लीग वन की चैंपियन और फ्रेंच कप के चैंपियन के बीच होता है ये मैच, और ये मैच जीत चुकी है लोस ट्रॉफी सेलिब्रेशन करते हुए। कैप्टन रेनाटो सैंचेस, आगे जाके हो सकता है कोई और कैप्टन बने, पर फिलहाल के लिए यही कैप्टन है लोस के, ओरिजिनल भी काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल कैप्टन भी रेनाटो सैंचेस ही है लोस, इसलिए यही रखना है कैप्टन की तरफ से फिलहाल के लिए। ट्रॉफी चैंपियन लोस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो मिल कर चुके को माफ़ कर देना, मिलते अगले एपिसोड में, बाय बाय दोस्तों।